हेलो स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एज यू नो दिस सेल इज़ कवर्ड विद द थ्री एनवेलॉप्स। द वेरी फर्स्ट इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये हार्ड टफ लेयर से बना होता है तो उसको हम लोग कैप्सूल बोलेंगे ओके द सेकेंड लेयर एज इट इज शोन इन द डायाग्राम विद द एरो लाइनिंग दैट इज़ अ सेल वॉल वो उसका सेकेंड एनवोलॉप है एंड जो थर्ड लेयर है

प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से निकलने वाला एक गोल्गी बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे मिजोजोम्स माय डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है तो यहाँ पे मिजोजोम्स है वो रेस्पिरेशन करने का काम करेगा मतलब आप कह सकते हो कि उसका काम अगर हम लोग कंपेयर करें यूक्यूरेटिक सेल्स के साथ तो वो कुछ माइटोकोन्ड्रिया जैसा काम करता है ओके फाइन साइटोप्लाज्म में और भी ज़्यादा बबल जैसा पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है रिबोजोम्स

क्योंकि अराउंड दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट डेर एंड नेकेड डी एन ए है भी बोल सकते हो न्यूक्लियोड भी बोल सकते हो या फिर आप उसको प्रोक्रोमोजोम भी कह सकते हो ये जो जेनेटिक मटेरियल है अलॉन्ग विद दैट आपको दूसरा सर्कुलर डी एन ए भी देखने को मिलेगा ये सर्कुलर डी एन ए को हम लोग प्लाजमीड ऐसा भी कह सकते हैं ये प्लाज्मिक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो रिप्रोडक्शन के लिए या फिर बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें बहुत ही काम लगने वाला स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉन एज द प्लाजमिट ओके यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो कि मैंने बताया था कि सेल वॉल इट्स सेल्फ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ और इट इज़ मेडअप ऑफ पेप्टिडो पेप्टिडो मतलब एमिनो एसिड और प्रोटीन ग्लाइकिन मतलब ग्लूकोज उसके अलावा पेप्टिटोग्लाइकिन और हम लोग बोल सकते हैं म्यूरिन स्टूडेंट्स नीट लेवल के लिए इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है जो भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो नीट लेवल टॉपिक है तो आपको अच्छे से याद रखना है म्यूरिन एक प्रोटीन है माय डियर स्टूडेंट्स किससे बना होता है देखो म्यूरिन का मैंने दो सब ब्रांचेस दिया हुआ है एन ए एम एंड एन ए जी एन ए एम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन ए जी मतलब एनएसिटाइल ग्लूकोजेमाइन ओके तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं कि भाई म्यूरिन है वो N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड या फिर N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना होता है फाइन चलो नेक्स्ट फर्दर हम ये बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए एज आई टोल्ड यू कि केमीजोजम्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन में चलो मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजेला फ्लैजेला बैक्टीरिया में लोकोमोशन का काम करती है जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है फ्लैजेला है उसके बेसिस पर ये बैक्टीरियल सेल के टाइप से अगर हम लोग उसको ए ट्राइकॉम्स बोलेंगे ओके okay? कि जिसके अंदर क्या नहीं है कोई भी फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए नहीं है ओके okay? तो ऐसे बैक्टीरिया है दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ द देयर बॉडी वॉल और विद देयर विद द हेल्प ऑफ द बॉडी सरफेस ओके सो ये दूसरा जो उसके नीचे दिखाया है उसके अंदर बैक्टीरिया हैविंग ओनली वन फ्लैजुला विच इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजिल विद द हेल्प ऑफ दैट दे आर मूविंग तो दैट इज नॉन एज द यूनिक ट्राइकस जो पहला है जिसके अंदर एक भी फ्लेजुला नहीं है तो दैट इज़ अ ए ट्राइकस ओके फर्स्ट वन इज़ द ए ट्राइकस सेकेंड वन इज़ द यूनिट्राइकस बिकॉज इट्स हैविंग अ वन फ्लैजेला टू मूव ये जो बैक्टीरिया है उसको दोनों ही साइड मतलब दोनों ही पोल पे दोनों एक एक जगह पे नहीं एक पोल पे नहीं दोनों ही अलग अलग पोल पे देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला तो इसको हम लोग एम ट्राइकस बोलेंगे एम्फी मतलब बोथ ट्राइकस मतलब फ्लैजेला तो यहाँ पे दोनों ही एंड पे दे हैव द फ्लैजेला टू मूव तो ये बैक्टीरिया दोनों ही डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर सकते हैं देन द थर्ड फोर्थ इज लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस का मतलब ये है कि कोई भी एक ही एंड पे इट्स हैविंग अ टफ टफ का मतलब है ग्रुप में एक से ज्यादा ग्रुप में देर इज अ प्रेजेंट ऑफ द फ्लजेला विच इज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया ओके दैट इज़ अ ट्राइकस देन देर इज़ अ पैरी पैरी मतलब अराउंड और ऑन द सरफेस ऑफ द होल बैक्टीरिया तो यहाँ पे पूरी बैक्टीरिया की सरफेस पे देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द फ्लजिला सो इट इज़ नॉन एज द पेरी बैक्टीरिया ओके और एक इसके अलावा एक और भी है दैट इज़ द सेफेलोट्राइकस सेफेलो है वो कुछ ऐसा दिखता है मैं आपको दिखाऊँ साथ में चलो सेफेलोट्राइकस है यहाँ पे बैक्टीरिया का बॉडी है ये दिस वन इज़ द बैक्टेरियल बॉडी और यहाँ पे दोनों ही एंड पे देर इज़ अ टफ ऑफ द फ्लजेला सो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सेफेलोट्राइकस बोलेंगे और यू कैन ऑल्सो से द एम्फी ट्राइकस क्योंकि कई ऑथर उसको एम्फी ट्राइकस भी बोलते हैं ओके okay? क्योंकि दोनों ही पोल पे देर इज अ टफ ऑफ द फ्लजेला ओके सो ये था डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजला uh, और फ्लैजल uh, एक uh, जो बॉडी पे होता है उसको हम लोग फ्लैजलेशन भी बोल सकते हैं फ्लैजलेशन फ्लैजलेशन का मतलब क्या होता है प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला ऑन इट्स बॉडी उसके बेसिस पर हम लोगों ने उसको डिवाइड किया ए ट्राइकस मोनोट्राइकस एम्फी ट्राइकस लोफो ट्राइकस पैरी ट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस, ओके सबका एक बार मैं शेप आपके साथ बना दूँ ए ट्राइकस मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लेजला नहीं है मोनो ट्राइकस मतलब यहाँ पे एक फ्लेजला है ओके okay? एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में यहाँ पे दोनों एंड पे देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजला यहाँ पे एम्फीट्राइकस के साथ ही अगर हम लोग सेफेलो को भी ले लें तो सेफेलो ट्राइकस का भी बॉडी कुछ ऐसा ही है सेफेलो मतलब दोनों हेड पे देर इज़ अ टफ्ट ऑफ द फ्लेजुला ओके ये सेफल हो गया लोफो कोई भी एक ही एंड पर है चलो तो ये बैक्टीरिया का सेल है कोई भी एक एंड पे देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द टफ ऑफ द फ्लैजेला एंड पेरी ट्राइकस मतलब पेरी अराउंड पूरी बॉडी के अराउंड में देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला तो दिस इज द पेरी ट्राइकस ओके ऐसा बॉडी होता है फाइन सो नाउ होप कि यू आर गेटिंग वेल अबाउट द फ्लैजलेशन ऑफ द बैक्टीरिया ओके देन वी आर गोविंग ऑन द बेसिस ऑफ द शीप दिस बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इन टू ये भी एकदम ईजी है देखो पहला जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द शीप बेसिलस और रोड जैसा बैक्टीरिया अपने बहुत ही बेसिलस एक नाम आता है तो एक दिमाग में दूसरा बेसिलस का टाइप वाला एग्जाम्पल याद रह आता है तो वो है मिल्क को कड़ में कन्वर्ट करने वाला लेक्टोबैसील्स बैक्टीरिया लैक्टो मतलब दे टॉकिंग अबाउट द शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क दैट इज़ अ लैक्टोज शुगर ओके दूध के अंदर जो शुगर होती है वो लैक्टोज शुगर होती है और वो लैक्टोज जो, जो शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया ओके okay? आपको ये तो याद ही होगा माई डियर स्टूडेंट्स फिर से फिर भी एक बार बता देती हूँ मिल्क के अंदर एक्चुअली कैसिन प्रोटीन होता है ओके okay? और यहाँ पे ये कैसिन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टो और उसका शेप कैसा है बेसिलस मतलब रोड जैसा है तो ये बैक्टीरिया का नाम देख दिया लैक्टो Bacillus bacteria, okay, and ma their main function is to convert uh, milk into this lactic acid. Just say, fermentation process, hojanic veggies, my dear students, it is very easy to digest, or you know, for the human body, I'm talking about it's a very easy to digest this protein or this lactic acid within our body, okay, so it's helpful. इन रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूजफुल फोना इन आर बॉडी मतलब शरीर ने जरूरी होवा बेक्टेरिया ने बॉडी ने अंदर जा काम मेन ओके okay? चलो मोनोबेसिलस मीन्स यहाँ पे एक ही बैक्टीरिया है जो सिंगली रोड शेप है डाइप्लोबेसिस बेसिलस बैसील, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया है वो डाइप्लो मतलब टू बैक्टेरियाज है इट्स मतलब रोड शेप बैक्टीरिया है इट्स अरेंज सम इट लुक्स लाइक ओके तो बैसिलस इन अ टू नंबर होंगे देन द स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया सब है वो लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइप्लो सॉरी स्ट्रेप्टो अभी जो हॉट फेवरेट जो कोरोना है वो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया आपको पता है न्यूमोनिया से हम लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन लगता है तो ये उसी बैक्टीरिया की बात हो रही है okay? the मतलब यहाँ पे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया ओके देन द स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलो मतलब यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइन होते हैं कि ये एक ग्रैप्स का बना हुआ जो क्लस्टर्स होता है और हाउ इट इज लुक ये कुछ ऐसा हम लोगों को दिखेगा तो दिस बैक्टीरिया इज नॉन एज द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिलस रोड जैसे बेसिलस रोड जैसे को भी हम लोगों ने डिवाइड किया डायप्लोकोकस बैक्टीरिया बेसिलस बैक्टीरिया डाइपलोकोकस बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अन्य मोनोबैसिलस बैक्टीरिया ओके मोनोबैसिलस डाइपलो एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस। चलो कोकस ये भी सेम बेसिलस की तरह है पर बेसिलस बैक्टीरिया कैसे थे रॉड जैसे यहाँ पे कोकस है वो स्फ़ेरिकल है ओके okay? तो एक ही सिंगल ही बैक्टीरिया ऐसा uh, स्फेरिकल शेप में घूम रहा है तो वो कोकस बैक्टीरिया है जिसको अगर एक सिंगल बैक्टीरिया है तो हम लोग मोनोकोकस बोलेंगे दो बैक्टीरिया हर बार साथ में ही देखने को मिलेगा टू इन अ नंबर टू इन अ पैर तो दैट तो इज़ अ डाइपलोकोकस एक से ज़्यादा बैक्टीरिया जो स्फेरिकल इन अ शेप है और लॉन्ग चेन में अरेंज होते हैं तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस मैं अभी इसी की बात कर रही थी स्ट्रेप्टोकोकस की ये स्ट्रेप्टोबैसिलस ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकस है और ये स्टेफाइलो ये स्ट्रिप आ, स्ट्रिपो बैसीलस था जो आ, स्ट्रिप्टो बेसिलस था वो स्टेप्टोबेसिलस यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है एक स्ट्रेप्टो का स्पेलिंग आएगा एस टी आर ई पी टी ओ स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो बेसिलस है वो, क्योंकि एक स्ट्रिप जैसा दिखाई दे रहा है दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज अ स्ट्रिप्टो बेसिलस और ये जो बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलो स्टेफाइलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस ऑल बैक्टीरिया अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ द क्लस्टर सो दैट इज द स्टेफाइलो ओके यहाँ तक का जो डिस्कशन था वो शेप के साथ अदर देन दिस यहाँ पे और भी शेप वाले बैक्टीरिया बाकी है तो उसमें है विब्रियो कॉलेरा आपने नाम सुना होगा जिससे कॉलेरा होता है वो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो विब्रियो और कोमा जैसे बैक्टीरिया है तो दैट इज़ द विब्रियो बैक्टीरिया ओके सो हियर इट इज़ शोन लाइक दिस दैन नेक्स्ट इज़ इज़ द स्पाइरुलिया मतलब स्पायरियलियम मतलब स्पाइरल मतलब क्या होता है रिंग जैसे तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है दैट इज़ द स्पाइरुलियम ओके चलो यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे बैक्टीरिया करते हैं जैसे कि हमें पता है कि इन एनी कंडीशन दे कैन ईजीली रेस्पिरेट ओके तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हाउ एग्जैक्टली दे आर रेस्पिरेट तो मैं अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज़ों को बता देती हूँ चलो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए चलो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना और सी ओ टू को एक्जल आउट करना बॉडी के बाहर निकालना ये जो प्रोसेस होती है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं ओके तो रेस्पिरेशन यहाँ पे बैक्टीरिया में दो मीन से होता है रेस्पिरेशन एक है एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो और दूसरा है एनेरबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एरोबिक मतलब ओ टू की प्रेजेंस में ओके okay? और ये ओ टू के एब्सेंस में मतलब एरोबिक एंड एनरोबिक ओके तो एरोबिक प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ओके और लाइकवाइज वाइज एनरोबिक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू ओ टू की प्रेजेंस में जो दो में डिवाइडेड है उसको मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ मतलब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन को दो में दिखा रही हूँ ओके सो वन इज़ द ओब्लीगेट ओब्लीगेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे ये बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन है वो चाहिए अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे ओके okay? तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इज़ मस्ट नीडेड तो ऐसे एरोबिक रेस्पिरेशन को बोलेंगे ओब्लीगेट एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें तो ऑप्लिकेट बैक्टीरिया में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बेसिलस इसका नाम है बेसिलस सब्टिलिस ओके okay, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ही अगर उसको नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा ओके okay, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा मामला है भाई इसको भाई चाहिए ही भाई इसका बॉयफ्रेंड अगर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा लाइक वाइज ओके चलो दूसरा फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फैकल्टेटिव किसकी बात कर रहे हैं एरोबिक की ही बात कर रहे हैं राइट right? तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं हमें कि ये बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन है वो किसके एब्सेंस में कर रहे हैं यहाँ पे ओ टू की एब्सेंस में कर रहे हैं मतलब ये फैकल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक है ऑब्लिकेट और दूसरा कौन सा है फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव मतलब झूठा कैसा है यहाँ पे झूठ के ऊपर बनाया हुआ है तो कैसा झूठा भाई यहाँ पे कि भाई दिस बैक्टीरिया इफ वी टॉक अबाउट कि दे नीड बैक्टीरिया नॉर्मली रेस्पिरेट इन द एब्सेंस ऑफ ओ टू ओके बट इन द प्रेजेंस ऑफ O2 दे आर एबल टू रेस्पायर ओके मतलब यहाँ पे what's दे एग्जैक्टली exactly want टू से is कि ये जो बैक्टीरिया है वो respiration करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो रेस्पिरेट कर रहे हैं पर अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इट्स ओके okay. वो एनेरोबिकली रे रेस्पिरेट करके सर्वाइव कर लेंगे ओके या आप आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसे बैक्टीरिया को कोई हार्श कंडीशन मिली और ऐसी ऐसा हुआ कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी ये बैक्टीरिया नहीं मरेंगे क्योंकि वो एनेरोबिकली रेस्पिरेट करेंगे ओके उसमें एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ऑक्सीजन मिला तो भी रेस्पायर कर लेंगे नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं कर कर लेंगे तो ये ऑब्लिगेटरी एंड क्या हुआ फैकल्टेटिव ऐसे चलो अभी एनरबिक एनारोबिक में बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम ऑब्लिगेटरी हुआ एंड फैकल्टेटिव पर यहाँ से उल्टा एनेरबिक बोला मतलब यहाँ पे ओ टू की एब्सेंस में है ही वो सर्वाइव कर देंगे मतलब ये स्ट्रिक्टली एनेरबिक ही है पर अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे राइट तो उसका मतलब है ये एनेरोब मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वो सरवाइव करेंगे अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो मर जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल है क्लोस्टिडियम बुचुलिनिया क्लोस्टिडियम बुचुलिनिया उसका एग्ज़ाम्पल है जो ओ, क्या करता है ऑक्सीजन है अगर मिला तो मर जाएंगे एनेरबिक ही रेस्पिरेट करेगा फैकल्टेटिव मतलब झूठा है क्यों क्योंकि ये ऐसे तो एनेरोबिकली ही रेस्पिरेट करता है पर उसको ऑक्सीजन मिला तो भी वो सरवाइव कर लेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है रोडो मोनास रोडो मोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट मतलब नाउ आपके लिए ये एकदम से ईजी हो गया जो मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया है जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है ईजी अंडरस्टैंड करके लिख देना है ओब्लिकेट एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन ना प्रेजेंट में रेस्पिरेट कर से, जो ऑक्सीजन नहीं मड़े तो मरी जैसे मतलब ट्रू लवर ऑफ ऑक्सीजन यूँ कही सकता है, है. फेकल्टेटिव एट खोटा खोटा है एने जो ऑक्सीजन हसे तो ही चलते नहीं हसे तो ही चलते ओके okay? ऑब्लिकेट एनेरोबिक में जो ऑक्सीजन नहीं हो तो ये सर्वाइव करें ऑक्सीजन मर तो ये मरी जा ट्रू और ट्रू लवर्स ऑफ एनेरोबिक अन फैकल्टिटी वाला खोटा है एने ऑक्सिजन नहीं हे तो ये सर्वाइव करते हसे तो सर्वाइव करें ओके मै डियर स्टूडेंट्स अँधी वाँचानूँ एंड यू हैव टू प्रिपेर नोट्स फ्रॉम दिस ओके रेस्ट कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी टूमोरो एंड यू मस्ट हैव टू वॉच दिस विडियो एंड यू नीड टू राइड दिज नोट्स इन योर बुक